साथियों, आज हम देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी स्कूल मैनेजमेंट। आप यदि एप्लीकेशन लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और वैसे तो आप दो प्रकार के एप्लीकेशन में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एक होता है पीसी एप्लीकेशन और दूसरा होता है वेब एप्लीकेशन। तो ये भी थोड़ा सा समझना होता है कि कौन सा बेटर रहेगा, पीसी एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन। जो पीसी एप्लीकेशंस होते हैं उनका दायरा सीमित होता है, यानी आप अपने ऑफिस के सिस्टमों में ही इंस्टॉल करके उन्हें चला सकते हैं। वहीं पर वेब एप्लीकेशन जो है कि ऑनलाइन मेंटेन होते हैं। कहीं आप बाहर भी है और कुछ डेटा एंट्री करना है या कुछ भी देखना है, कहीं ओपन करना है, तो आप अच्छे से ओपन कर पाएंगे वेब एप्लीकेशन को। तो एमपी ऑनलाइन ने जो है कि स्कूल मैनेजमेंट लॉन्च किया है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। और इसे सभी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो सभी स्कूल ले सकते हैं। और खास तौर पर इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो बहुत कम है, यानी 550 रुपये के रजिस्ट्रेशन चार्जेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये अलग है कि इसका जो ट्रांजेक्शन है ऊपर स्टूडेंट, इसका ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेगा 25 रुपीज एडमिशन फॉर्म, और फीस का अलग है। लेकिन पूर्णतः ऑनलाइन है और इसकी जो सर्विसेज हैं, यानी जो स्पीड है वेब एप्लीकेशन की, वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि एमपी ऑनलाइन कई सर्विसेज जो कि प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ ही स्कूल मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट भी उसने लॉन्च किया है। तो इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि कहीं से भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, साथ ही साथ अपने स्कूल की पब्लिसिटी भी आप कर पाएंगे। एक सब डोमेन भी इसमें आपको मिलता है अपने स्कूल का, तो वो भी इसमें को बेनिफिट रहेगा। तो यदि आप इसको लेने इच्छा रखते हैं तो किस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन करना है और किस प्रकार से इसको आप ले सकते हैं, इसका यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन। इसके लिए आपको टाइप करना है osms.mponline.jv.in, जिससे इसका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी रजिस्टर्ड हेड स्कूल, यदि उनको देखना है तो उसके लिए आप सेलेक्ट करिए डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का देखना है, और वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा ब्लॉक, और ब्लॉक के अंतर्गत जो भी स्कूल्स हैं जिसमें भी एडमिशन लेना है स्टूडेंट को, वो यहाँ से सेलेक्ट करके सर्च कर सकता है। साथ ही साथ आप अपने बुकलेट पर अपना सब डोमेन URL भी दे सकते हैं, जिसे टाइप करके डायरेक्टली स्कूल इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का स्कूल का पूरा होम पेज दिखाई देगा। अब हम देखते हैं इसका रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा स्कूल का टाइप, गवर्नमेंट प्राइवेट, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। स्कूल कोड लेना है, डाइस कोड लेना है, मीडियम सेलेक्ट करना है, स्कूल एजुकेशन टाइप सेलेक्ट करना है, कोएडेड जिसे एफिलिएशन ईयर, एड्रेस पूरा देना है, स्कूल का नाम यहाँ पर देना है, बैंक डिटेल देना है स्कूल की, ताकि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन लेगा तो उसका जो अमाउंट है वो बैंक खाते में आ जाएगा, यानी एमपी ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रीजन में नगर पालिका के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत है या नगर निगम है, सिटी वगैरह, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको सबमिट करना है। इसके बाद यहाँ पे बनाना है आपको पासवर्ड स्कूल का, एक आईडी तो यहाँ पर जनरेट होगा, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है और स्कूल लोगो के इसको सबमिट कर देना है। 550 इसका अमाउंट आ रहा है, तो ये सबमिट करते ही आपका एक प्रिंट निकलेगा। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से इसको अप्रूव करवाना है। चलिए अब हम जब लॉगिन आप ले लेते हैं, इसके बाद आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर तीन प्रकार की लॉगिन, ऐसे तो चार प्रकार की, लेकिन उपयोगी जो रहेगी वो है स्कूल के लिए स्कूल आईडी रहेगा, पेरेंट्स के लिए पेरेंट लॉगिन रहेगा, और स्टूडेंट के लिए भी SIS मिलेगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इसमें मिलेगा, ताकि स्टूडेंट भी अपना लॉगिन खोल करके एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, एडमिशन नोटिफिकेशन, अन्य कोई नोटिफिकेशन है तो वो सब, सिलेबस वगैरह सब कुछ उसको यहाँ पर मिल जाएगा। कियोस्क, जो भी एमपीओलन कियोस्क है वहाँ से यदि फॉर्म सबमिट होता है तो वो अपना लॉगिन खोल करके एडमिशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं सभी स्टूडेंट का। चलिए अब हम यहाँ पर स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल लॉगिन हम करते हैं। यहाँ पर जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जो जो सर्विसेज मिल रही है, सबसे
सबसे टॉप में स्कूल का नाम आएगा। नहीं, यहाँ पर इस लोकेशन में आपको स्कूल का नाम मिलेगा और यहाँ पर ये सारे टाइप्स आ रहे हैं, इनके अंतर्गत आपको डिटेल करना है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, तो स्कूल प्रोफाइल के अंतर्गत स्कूल को एडिट है, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको एडिट कर पाएंगे। नोटिफिकेशन में कोई भी नोटिफिकेशन आपको जनरेट करना है तो वो आप इसमें कर पाएंगे। फीस स्ट्रक्चर्स हैं, एडमिशन फॉर्म वगैरह आप यहाँ से सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पर स्कूल प्रोफाइल में ये व्यू और एडिट कर सकते हैं, सेशन वगैरह व्यू एडिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो भी आपको देना है तो वो लॉगिन पोर्टल पर आ जाएगा, जैसे हम एक आपको ऐड करके बता देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन का पोर्टल ये आ जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन देना है वो, और किनको किस उसमें देना है, टेक्स्ट में देना है, और एक्टिव कब से कब करना है, कौन सी डेट से करना है, और क्या नोटिफिकेशन रहेगा वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। एक्टिव स्टेटस किनको देना चाहते हैं, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, सिटीजन को, ऑल को, ये सब कुछ दे पाएंगे। एकेडमिक कौन सी क्लास, कौन-कौन सी क्लास, उनका फीस स्ट्रक्चर, किस हेड में जाती है फीस, किन-किन हेड आप लागू करते हैं, वो सब यहाँ पे देख पाएंगे। एडमिशन फॉर्म यहाँ पे कर पाएंगे। एग्जाम, एग्जामिनेशन का भी शेड्यूल यहाँ पे दे सकते हैं। एडमिट कार्ड ऑनलाइन दे सकते हैं। स्टूडेंट एनरोलमेंट फॉर्म ऑनलाइन दे सकते हैं। रिजल्ट आप ऑनलाइन देख पाएंगे। स्टूडेंट पूरी प्रोफाइल स्ट्रक्चर उनका, कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब कुछ आप यहाँ से रिपोर्ट वगैरह जनरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ आप टीसी भी ऑनलाइन मैनेज इसमें कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसे एक्टिवेट करने के लिए आप हमें जो कि कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्यूरी हो तो क्यूरी को भी लिए आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो यूआरएल है वो आपको हमारे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, यानी डिस्क्रिप्शन से लेकर के आप यूआरएल तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ इसे अन्य लोगों तक तो पहुंचाने के लिए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।